ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। तो फिर से आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। एंड आज के इस वाले एपिसोड में जो है ना, आज हम लोग एक गाड़ी को चलाने वाले हैं, मतलब एकदम एक्सक्लूसिव गाड़ी है वो वाला। एंड यहाँ पर देखो, आम अंडर कर रहे हैं यहाँ पे योगा। एंड माइकल के साथ जो है इसका थोड़ा सा मतलब पंगा चल रहा है, मतलब झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो चलो इसको छोड़ते हैं अभी। एंड PDM से जो मेरे को एक कॉल आया, है कि भाई एक बहुत ही तगड़ा एंड एक्सक्लूसिव गाड़ी जो है हमारे लॉस सैंटोस में आया हुआ है। मतलब वो वाला जो गाड़ी जो है ना, अभी अभी बस लॉन्च हुआ है, मतलब पूरा वर्ल्ड में जो है अभी उसको ही लेके चर्चा पूरा चल रहा है। एंड यहाँ पर देखो, ये माली है अपने घर का, हेलो यहाँ पे हाई कर रहा है मेरे को। चलो यहाँ पे ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, मतलब पानी वगैरह से लेके सब कुछ, ये कटाई वटाई सब कुछ बड़े अच्छे से ये ध्यान रखता है। तो यहाँ पर जो है, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से सीधा PDM, एंड आप लोगों को सीधा जाके दिखाता हूँ कि ये कौन सा गाड़ी है। एंड ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बोल ही देता हूँ कि वो है भैया टेस्ला। एंड टेस्ला आप लोगों को तो पता है कि अभी जो है पूरे वर्ल्ड में टेस्ला को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, एंड वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। तो उस वाले कार को आज मुझे टेस्ट ड्राइव लेने का मौका मिल रहा है, तो ये वाला मौका मैं कैसे अपने हाथ से गवा सकता हूँ। तो अभी जो है ना, मैं सीधा यहाँ से निकलता हूँ PDM की तरफ। एंड यहाँ से मैं गराज से जो है अपना यहाँ पे लैम्बोर्गिनी उरुस लेके मैं यहाँ से निकलता हूँ। एंड ये वाला जो कलर जो है ना, हाल ही में मैंने इसका रैप करवाया, एंड कलर देखो कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर नंबर प्लेट भी मैंने कस्टमाइज करवा लिया यहाँ पे, यहाँ पर देखो लिखा है SBN। चल गाड़ी को लेकर मैं यहाँ से निकलता हूँ। येलो कलर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब आँख में लगता है, मतलब लोगों के नज़र में बहुत ही फटाक से पड़ता है, तो उसके वजह से मैंने ये वाला कलर मैंने चूज़ किया। एंड ये वाला कलर ही मैंने करवा लिया। एंड यहाँ से जो है PDM चलता हूँ। एंड PDM यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एंड PDM का रोड जो है ना, काफ़ी दिन के बाद मैं आज जा रहा हूँ, तो आज मैं भूल गया PDM का रोड, तो यहाँ पर ही कहीं पर होना चाहिए। एक मिनट, चल PDM है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। चलो जी अभी निकलते हैं यहाँ से। PDM का रोड भी मैंने मार्क कर दिया। एंड यहाँ पर रॉन्ग वे नहीं लेके जाना चाहिए भैया, रॉन्ग वे मार देंगे तो यहाँ पे गाड़ी ठोक सकता है। एंड अभी अगर ये गाड़ी ठोका तो आमांडा बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चिल्लाएगा, वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, तो अभी ऐसा कोई काम करेंगे नहीं जिससे और भी ज़्यादा वो भड़के मेरे ऊपर। एंड लैम्बोर्गिनी उरुस चलाने का मज़ा जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल आता है, बिकॉज ये गाड़ी एकदम SUV टाइप है, कहीं भी कैसे भी इसको लेकर आप बड़े आराम से जा सकते हैं। एंड यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो है ना इस बिल्डिंग का, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन अभी तक ख़त्म हुआ ही नहीं है, मतलब कोई तगड़ा सा यहाँ पे मॉल बनने जा रहा है, तो काम बहुत ही दिनों से चल रहा है यहाँ पे। तो चल गाइस, हम लोग जो है PDM पहुँचने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से PDM जाके मिलता हूँ सीधा। ओके तो फिलहाल हम लोग अभी आके पहुँच चुके हैं PDM। एंड PDM में इतना ज़्यादा भीड़ काय को लग रहा है भैया, भीड़ काय को लग रहा है। एंड भाई साहब यहाँ पर देखो, टेस्ला जो है, टेस्ला कार यहाँ पर ही रखा हुआ है। एंड यहाँ पर लोगों का भीड़ देखो इसको देखने के लिए, मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा क्रेजी थे इस कार को देखने के लिए। एंड यहाँ पर किसका एक्सीडेंट हुआ भाई? एंड यहाँ पर जो है ना, मैंने शर्ट को अंदर खोल लिया, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा था, इसकी वजह से मैंने खोल लिया। चलो मैं अपना गाड़ी को मैं यहाँ पर ही पार्क कर देता हूँ। एंड PDM का जो ओनर जो है, उनसे जाके मैं थोड़ा सा इधर बात कर लेता, बिकॉज उसने ही मेरे को यहाँ पे कॉल करके बुलाया था। तो बस ये जो लड़की जो है यहाँ पर, PDM का ये ओनर का लड़की है, तो इसने मेरे को बोला कि पापा अभी फ़िलहाल है नहीं, आप गाड़ी को फ़िलहाल अभी यहाँ से लेके जा सकते हो। पापा ने कॉल करके बोला कि गाड़ी को आपको दे देने के लिए। अभी जो है मैं गाड़ी को यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब अपना वाला जो गाड़ी है उरुस को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। एंड टेस्ला को लेके मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि इस वाले कार को जो है ना, इसमें फ्रैंकलिन को भी साथ में बिठा लेते हैं, एंड दोनों कहीं से एक चक्कर लगा के आते हैं, मतलब गांव से एक चक्कर लगा के आते हैं। वैसे ट्रैफिक में जो है सिटी में चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, तो मैं इसको सीधा यहाँ से भी लेकर निकलता हूँ। मैं लोग देखो कितना घूर घूर के देख रहे हैं अभी, ये देखो भैया मैं गाड़ी में बैठ गया, ये लोग फोटो खींचने में लगे हैं। चलो कोई नहीं, गाड़ी को अभी मैं यहाँ से निकल के लेके जाता हूँ। वो भाई साहब, मतलब गाड़ी का पिकअप बहुत ही ज़्यादा है। एंड मैं आप लोगों को बोल ही रहा था कि सिटी में जो है अच्छे से इसको मैं चला नहीं सकता, बिकॉज कोई ना कोई आके इसको ठोक ही देगा। एंड ये इतना एक्सक्लूसिव कार है, इसको अगर कहीं पे ठोक दिया ना, तो मतलब PDM का जो ओनर है वो मेरे को खा जाएगा पूरा। तो मैं जो है अभी कहीं पर रोक के फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ, एंड फ्रैंकलिन को भी अपने साथ बुला लेता हूँ। फ्रैंकलिन को सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोन कर लेता हूँ। चलो जी,
ओके तो गाइस मैंने जो है फ्रैंकलिन को कॉल कर दिया। फ्रैंकलिन बोला कि यहाँ से बस मैं थोड़ा सा ही दूरी पर हूँ, तुम आ जाओ मेरे को लेने के लिए, यहाँ से मेरे को सीधा जाना पड़ेगा। ओके चलो मेरे को या, ओ भाई 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 कहाँ से लेके आ रहे। एंड फ्रैंकलिन पता नहीं कहाँ पर है, मेरे को बोला तो था यहाँ पर ही आ जाओ, मैं सीधा आ जाओ, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, लेकिन मेरे को वो कहीं पर नजर आ तो ही नहीं रहा, पता नहीं बंदा। ओके 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 चलो फ्रैंकलिन बंदा यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। तो चलो गाइस फ्रैंकलिन जो है, फ्रैंकलिन भी आ चुका है अभी, दोनों जो है दोनों अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर देखो मतलब ये पूरा ठोकने में लगा था बंदा, अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ फ्रैंकलिन को लेके। अभी देखो अभी मजा आएगा, दोनों जो है दोनों आराम से बैठ के अभी कहीं पर जाएंगे। एंड गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है स्टेयरिंग व्हील। अभी हम लोग जो है ना दोनों कहीं पर निकलते हैं यहाँ से गाँव की तरफ, लेकिन मेरे को रास्ता यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि किधर से मैं निकलूँ। एंड गाड़ी का साउंड देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक कार है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही साउंड निकल रहा है, मतलब कोई इतना ज्यादा लाउड नहीं है, लेकिन कार बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। एंड यहाँ पर किस बात का इतना ट्रैफिक लगा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, साइड से निकल लूँ क्या मैं? चलो मैं साइड से निकल लेता हूँ, लेकिन ये कहीं पर टकराना नहीं चाहिए, एकदम आराम आराम से यहाँ से मेरे को लेके निकलना पड़ेगा इसको। ओ भाई 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 भाई, भाई। तो गाइस अभी जो है हम लोग सीधा आके पहुंचे यहाँ पर गांव में। एंड गांव में देखो कितना ज़्यादा शांति लग रहा है। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि गाड़ी को जो है ना रोड पे नहीं कहीं पहाड़ों में लेके चलते हैं, पहाड़ों में असली इसका मज़ा लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कितना ज़्यादा इसका कम है, तो इसको ऐसे ही लेके जाएंगे पहाड़ की ओर। एंड मेरे को बहुत ही संभाल के चलाना पड़ेगा, बिकॉज ये गाड़ी जो है ना बिल्कुल एक पीस ही आया था इधर लॉस सैंटोस में, तो बहुत ही संभाल के मेरे को इसको लेके जाना पड़ेगा। एंड लेकिन मज़ा जो है ना मज़ा बहुत आएगा इसको चलाने में पहाड़ों की तरफ। चलो जब ये पहाड़ का रास्ता हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस कि यहाँ से जो है ना यहाँ से एक टर्न लेके अंदर की तरफ चलते हैं एंड सीधा चलते हैं पहाड़ों की ओर। यानी यहाँ पर देखो गाड़ी मतलब नीचे ऑलमोस्ट टच हो ही चुका है, तो चलो कोई नहीं यहाँ से जो है यहाँ से लेके मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम आते ही जो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वाला बारिश आना स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर देखो रोड भी कितना गीला गीला हो चुका है, तो अभी जो है इसको ऊपर लेके जाना और भी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल मेरे को लग रहा है, लेकिन कोई नहीं खतरों से खेल के आगे जाएंगे। एंड यहाँ पर देखो गाइस मतलब पूरा वेदर ही चेंज हो गया इधर, एंड सब कुछ इधर पूरा पानी पानी हो गया। एंड यहाँ से आगे जाके शायद मेरे को एक पहाड़ों की तरफ चढ़ने का एक रोड मिलेगा, तो वहाँ से मैं अपने गाड़ी को सीधा चला दूंगा ऊपर की तरफ। तो हमारे इधर फ्रैंकलिन जो है ना, फ्रैंकलिन बहुत ही आराम से बैठा हुआ है, मतलब बेचारे को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके आ गया। एंड उसको भैया बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो मेरे को बोल भी रहा था कि भाई पहाड़ों की तरफ ही चलते हैं हम लोग, वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब ये आइडिया जो है ये फ्रैंकलिन का ही आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था। तो अभी थोड़ा ध्यान से मैं गाड़ी को चलाता हूँ, नहीं तो देखा कि बात करते करते हम लोग सीधा पहुँच गए नीचे खाई की ओर। यहाँ पर देखो गाड़ी थोड़ा बहुत गंदा हो चुका है, लेकिन कोई नहीं गंदा होने पर भी इसको वॉश करके दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर ये टकरा कर गिरा तो भैया इसको रिपेयर करने में हालत खराब हो जाएगा। ओके तो गाइस यहाँ पर जो है मैं इस वाले लोकेशन में आके पहुँच चुका हूँ। एंड यहाँ से जो है राइट लेके हम लोग सीधा चला देते हैं गाड़ी को पहाड़ों की ओर, ताकि जो भैया हम लोग को जो एक्सपीरियंस मिले वो नेक्स्ट लेवल वाला एक्सपीरियंस मिले। तो मैं गाड़ी को यहाँ से घुसा देता हूँ। एंड यहाँ से रोड भी जो है ना रोड भी काफी ज्यादा छोटा है। एंड यहाँ पर अभी सामने है टनल, बारिश से हम लोग थोड़ा बहुत अभी बच चुके हैं, लेकिन आगे जाके फिर से हम लोग को मिलने वाला है बारिश। ओके 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 यहाँ से जो एक रोड है ना ये रोड भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऊपर की तरफ ही चलते भैया इसको लेके। एंड भगवान का नाम लेके मैं गाड़ी को यहाँ से चला देता हूँ। एंड लेट्स सी हम लोग ऊपर तक जा पाते हैं कि नहीं, एंड गाड़ी में कितना दम है यहाँ से पता चलेगा। ओ भाई गाड़ी जो है ना थोड़ा बहुत यहाँ पे स्लिप कर रहा है। एंड हम भी कैसे मौसम में आ गए भैया, इधर पूरा बारिश हो रहा है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे बारिश जो है ना बारिश रुक चुका है, लेकिन मिट्टी जो है मिट्टी अभी भी थोड़ा बहुत गीला गीला है, मतलब थोड़ा बहुत स्लिप तो मार रहा है। एंड यहाँ से तो ये वाला कौन सा रास्ता है? ओके ओके ये कोई रास्ता नहीं है।
एंड अभी जो है अभी इसको चलाने में थोड़ा मजा आ रहा है एंड डर अभी नहीं लग रहा है बिकॉज अभी बारिश भी खत्म हो गया। ओ भाई साहब यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है, एंड यहाँ पे एक लड़का साइकिलिंग करते करते जा रहा है। चलो भैया बेस्ट ऑफ लक इसको भी, मतलब इसको भी हैट्स ऑफ बिकॉज ओ शिट 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 यहाँ से एक जानवर मेरे गाड़ी के नीचे आके मारा गया, मतलब मैंने देखा नहीं, बात करते करते थोड़ा इधर उधर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अभी पहाड़ों के ऊपर जो है पहुँचने वाले हैं, एंड यहाँ पर जो साइकिल लेके जो लोग आते हैं ना उनको सल्यूट करना पड़ेगा बिकॉज इतने हाइट पर ये लोग साइकिल लेके आते हैं। यहाँ पर देखो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी खिसकते हुए पूरा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ब्रेक तो भैया हम छोड़ने वाले नहीं है। एंड हम लोग अभी आके पहुँच चुके एकदम पूरा ऊपर, पूरा पहाड़ों के टॉप में आके पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ से व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहेगा। ओ भाई 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 चलो यहाँ पर जो है मैं गाड़ी को रोक देता हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पे नज़ारे का मजा ले लेते हैं एंड फोटोज वगैरह भी कुछ कुछ हम लोग क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर एक फनी सा सीन हो गया, फ्रैंकलिन को मैंने बोला था कि चलो यार फोटो क्लिक करते, लेकिन फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया, तुमने मेरे को ऐसे तैसे लेके आ गए, मैं कपड़ा वगैरह कुछ भी पहन के नहीं आया तो मैं फोटो नहीं क्लिक करूंगा। ओ देखो मतलब फ्रैंकलिन कितना गुस्से में है, देखा मतलब बंदा जो है ना कभी कभी इतना जल्दी इसको गुस्सा चढ़ जाता है, क्या बोल। अभी जो है ना अभी गाड़ी को लेके मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ पीडीएम की तरफ बिकॉज हम लोग बस एक चक्कर लगाने के लिए आए थे इधर, तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ से गाड़ी को लेके निकलते हैं। अभी जो है ना यहाँ से इस वाले रोड को पकड़ के मैं सीधा मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ, एंड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना वो होता है नीचे उतरने में, बिकॉज चढ़ने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है लेकिन नीचे उतरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे नीचे आके पहुंचा था, एंड यहाँ पर देखो किसी ने अपना एक ब्लैक कलर का फॉर्च्यूनर रखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये वाला ब्लैक वाला फॉर्च्यूनर। एंड ड्राइवर का जो है ड्राइवर को भी फॉर्च्यूनर बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड ये फुल्ली एकदम ब्लैक कलर में देखो। एंड कोई शायद यहाँ पे पहाड़ों में घूमने के लिए आया है, एंड यहाँ पर ये बंदा यहाँ पे छोड़ के गया ये वाला फॉर्च्यूनर। चलो हम लोग जो है अपना टेस्ला लेके यहाँ से, ये देखो भैया मतलब फ्रैंकलिन जो है ना बातों बातों में अभी चिर रहा है, मतलब इसको मैंने ऐसे ही लेके आ गया तो उसकी वजह से ये बंदा थोड़ा मेरे से चिर रहा है। चलो कोई नहीं, इसको मैं सीधा जाके छोड़ देता हूँ उस लॉस सेंटर्स, एंड इसको कभी भी भैया मैं और लेके नहीं आऊंगा। तो गाइस अभी जो है मैं और फ्रैंकलिन आके पहुंच चुके हैं पीडीएम, एंड गाड़ी को भी मैंने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं कि मतलब गाड़ी सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड कर देगा, गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करके जाना, चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट गेम प्ले में कौन सा डालू जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।